क्या राहुल गांधी वोट के हिसाब से, वोट के गणित के हिसाब से अपने रूप बदलते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वो तो इच्छाधारी हिंदू है। असल में आज से राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उनका कई मंदिरों में जाने का कार्यक्रम भी है। अब इस यात्रा पर एक तरफ असम के सीएम सलाह ये दे रहे हैं कि ये यात्रा तो पाकिस्तान में निकलनी चाहिए क्योंकि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, और आरोप चुनावी हिंदू होने के भी लग रहे हैं। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। लगभग 150 दिनों की ये पदयात्रा है। इसमें 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी अगले 150 दिनों के अंदर। 3,570 किलोमीटर की लंबी ये यात्रा है। कन्याकुमारी ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इससे इसकी शुरुआत हो रही है और इसको कश्मीर तक जाना है। और इस 150 दिनों की पदयात्रा से क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। ...2024 में दिल्ली की रेस के लिए स्टार्टिंग लाइन तैयार है और अब धीरे धीरे देश की बड़ी पार्टियां उस स्टार्टिंग लाइन पर अपना अपना दमखम दिखाने के लिए खड़ी होने लगी हैं। इस लाइन में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी खड़ी है। भले ही कांग्रेस आज बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों से जंग लड़ रही है, लेकिन खुद को वो दिल्ली की कुर्सी का प्रबल दावेदार मानती है और इसी दावेदारी के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से कन्याकुमारी से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत से पहले तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर कार्यक्रम होगा। लगभग 150 दिन की ये पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। पूरी यात्रा लगभग 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा शुरू होने के साथ ही राहुल गांधी कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे। कन्याकुमारी में गांधी मंडपम में कार्यक्रम के दौरान स्टालिन भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उस सार्वजनिक रैली स्थल पर जाएंगे जहां से यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन पार्टी की इस यात्रा से पहले ही बीजेपी ने इस पर राजनीतिक तंज कसना शुरू कर दिया है। असम के सीएम और कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करने की सलाह दी है। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा, भारत तो जुड़ा हुआ है। अयोध्या में संत कमल नयन दास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये सबके सब, इनसे राष्ट्र से न सोनिया गांधी का जन्म भारत में हुआ, न राहुल गांधी का जन्म हुआ, न क्या नाम, क्या है नाम है इसका, प्रियंका, इन सबका जन्म भारत में, देश से कोई मतलब नहीं इन लोगों से है। राहुल गांधी की यात्रा उन राज्यों से होकर गुजरेगी जिनमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी है, जहां पिछली बार सरकार बनने के बाद कांग्रेस के हाथ से कुर्सी चली गई थी। कन्याकुमारी से शुरू हो रही इस यात्रा से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और नर्मदा में डुबकी भी लगाई। इसे लेकर भी सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू कह दिया है। चुनावी हिंदू है वो, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी के सामने मुश्किलें भी बड़ी हैं। पार्टी के कई सीनियर नेता अध्यक्ष पद के चुनाव और पार्टी में हो रही अनदेखी को लेकर नाराज हैं, और कई तो पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी की ये कोशिश भी होगी कि किसी तरह नाराज नेताओं को एकजुट किया जाए। यही नहीं, लगातार 2 आम चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस को हाई करना भी पार्टी के लिए एक चुनौती ही है। ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि भारत जोड़ो के बहाने पार्टी खुद को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नेहा बग्गा हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी की। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अथर हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि त्रिपाठी के पास लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी यात्रा का आगाज हो रहा है। रवि, 150 दिनों की यात्रा, लगभग 3500 किलोमीटर चलना है, और इस यात्रा के जरिए क्या मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है? नहीं, देखिए साफ है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक तो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रही है, उसका मानना है कि भारत तोड़ो का काम बीजेपी कर रही है और सरकार का, इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। इस वजह से हम मैसेज दे रहे हैं। तीन तरह की बातें की गई है, तीन बातें हैं कि आर्थिक विषमता बहुत बढ़ गई है, इस वजह से भारत में लोगों को बताना जरूरी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से यात्रा जरूरी है। दूसरा, जो सामाजिक विषमता बढ़ गई है, जिसमें दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, ये कहना है कि इस वजह से लोगों में जो द्वेष फैल रहा है, इस वजह से इस यात्रा की जरूरत है। और तीसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जब सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, उसकी वजह से राज्यों को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं और खाली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स हो रही है, उसका तो वजह है। लेकिन हम चूंकि लोकेशन पे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उस लोकेशन पे दिखाना चाहेंगे। देखिए तस्वीर, देखिए ये समुद्र है कन्याकुमारी का, और इसके किनारे ये बाएं साइड में जो जगह आपको मंदिर दिख रहा है, ये गांधी मंडपम है। गांधी जी इसी जगह से कार्यक्रम शुरू होना है, लगभग 4 बजे के आसपास राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे। यहां पर एक प्रेयर मीटिंग रखी गई है, प्रेयर मीटिंग के बाद उनको राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया जाएगा। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस कार्यक्रम के बाद एक मार्च, पहला एक सिंबॉलिक मार्च यहाँ से निकलेगा। हमारे साथ शमा मोहम्मद हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हम लोगों को एक तरह से कहें रास्ता दिखाने वाली यही है। तो शमा, क्या तैयारी है इस मार्च को, कहाँ से आज पैदल मार्च कहाँ निकलेगा? यहाँ से पहले यहाँ से झंडा देंगे हमारी और राहुल जी को, सीएम स्टालिन यहाँ से, और फिर यहाँ से 600 मीटर यहाँ से चलेंगे राहुल जी और भारत जोड़ो यात्री। हाँ, और वो है जो दिख रहा है आप सीधा, वो है स्टेज मंच, वहाँ बैठेंगे। और आज पब्लिक मीटिंग होंगे, 5 से 6:30 बजे तक पब्लिक मीटिंग होंगे, और आज उस समाप्त होंगे, फिर शुरुआत होंगे कल 7 बजे। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के लोग और तमाम नेता कि राहुल गांधी को पाकिस्तान में जाकर ये करना था, भारत में तो जरूरत नहीं इस बात की। पाकिस्तान को किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है पाकिस्तान को, बांग्लादेश और पाकिस्तान किसने बनाया है? हमारी मिसेज इंदिरा गांधी जी ने, हमारा जो देश का प्रधान, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता, ठीक है, उन्होंने तोड़ा है। हम पाकिस्तान को तोड़ा है और हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। भाजपा पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ रहा है हर दिन, और हम हिंदुस्तान को वापस, जो हिंदुस्तान थे। तो बिल्कुल रवि, हम देख रहे हैं तैयारियां पूरी हैं और कांग्रेस के नेता भी चार्ज में हैं। स्वाभाविक, एक बड़ी यात्रा है, उसका आगाज थोड़ा सा ऐसे ही अग्रेसिव होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे जी, दोनों संदर्भों में चूंकि यह बात मध्य प्रदेश से निकली है और आप लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश को बहुत गंभीरता से देखते रहे राष्ट्रीय फलक पर आने से पहले, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं जो आरोप लगा रहे हैं वहां के गृहमंत्री? राम मोहन जी, नेहा जी को, अतर हुसैन जी को, सभी को नमस्कार। भगवान महाकाल आदि अनादि अनंत अखंड भेद अभेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को ज्योति जोगी जति मुनि जान न पावे। मैं हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से आग्रह करता हूं, समूची भारतीय जनता पार्टी से, कि राहुल गांधी चाहे मानसरोवर की यात्रा पर जाएं, चाहे सोमनाथ जाएं, चाहे वैष्णो देवी जाएं, या महाकाल भगवान के दर्शन करें, भगवान और भक्तों के बीच में खड़े होकर पाप और श्राप के भागी क्यों बनते हैं आप? आपको ये शोभा नहीं देता है? हमारी जो सनातन संस्कृति और सभ्यता है उसमें भगवान और भक्तों की आस्था के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है तो भीषणतम महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक उन्माद से भारत को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर हमने, ये गैर राजनीतिक यात्रा है, हमने सभी सामाजिक संगठनों को, सभी राजनीतिक दलों को, सबको आमंत्रित किया है कि आइए, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता है, जब
कोविड की महामारी की विभीषिका थी, जब 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, तो ये जो न्यायपूर्ण वितरण नहीं है भारत के संसाधनों का, उसको उसके साथ न्याय करने के लिए आइए हम सब भारत को जोड़ते हैं। विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का ये देश है, आइए हम इसकी विरासत को सहेजते हुए, इसकी विरासत को संवारते हुए। एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे जाऊंगा नेहा से सवाल लेने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि ये समान वितरण नहीं है अमीर और गरीब के बीच में, उस खाई को पाटने के लिए यात्रा है। क्या आपको लगता है कि ये पिछले 2 साल में या जब से 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से ये चल रहा है? क्योंकि ये चर्चा तो बहुत पुरानी है, जब हम पैदा हुए हमने पहली चर्चा यही सुनी कि एक भारत अमीरों का, दूसरा भारत गरीबों का, यही चल रहा है। राम मोहन जी, मैं तो सिर्फ मोदी सरकार की कुछ रिपोर्ट्स का उल्लेख करना चाहता हूं। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे में मोदी जी ने ये बताया कि जो आजादी के समय 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, भारत सरकारों का, उसमें अटल जी की भी सरकार शामिल है, ये प्रयास था कि वो घटकर 20% आ गई। मोदी सरकार की आरबीआई की मेन स्ट्रीट मेमो ने ये रिपोर्ट दी कि जो हिंदुस्तान के एमएसएमई हैं वो नोटबंदी और गलत जीएसटी की वजह से कोलैप्स हो गए और 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने बताया कि चाइना के इंपोर्ट की वजह से हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया, जो रोजगार हमारे कम खत्म हुए। फिर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ गई महंगाई की वजह से, अर्थात महंगाई की वजह से बेरोजगारी बढ़ी, ये भी सरकार की रिपोर्ट ने बताया। तो जितनी सरकार की रिपोर्ट है वो इस बात का हवाला देती है कि ये जो परिस्थितियां निर्मित हुई है ये बीते 8 वर्षों में निर्मित हुई है। तो ये किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाना, कल्पना कर सकते हैं। जब 2016 इन रैली की रैली दूसरे दौर में आऊंगा, लेकिन नेहा बग्गा के पास में हम पहले चलते हैं क्योंकि उनका आरोप है। नेहा, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? क्योंकि एक लंबी यात्रा है, बीच बीच में जो पड़ाव मिलेंगे उसमें दर्शन पूजन भी होता चलेगा, क्या आपत्ति है? नहीं देखिए राम जी, हम तो बहुत दिनों से सुन रहे थे कि राहुल गांधी की एक यात्रा शुरू होने वाली है। असल में ये भारत बचाओ यात्रा नहीं है, ये बेटा बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, परिवार बचाओ यात्रा है। और जिस तरीके से जब जब चुनाव आते हैं या राहुल गांधी मुसीबत में फंसते हैं तो अपने पोलराइजेशन की नीति को एक तरफ साइड रख के, जो कांग्रेस पार्टी के एंटनी कमिटी की रिपोर्ट थी कि पोलराइजेशन की वजह से जो है कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, जिस तरीके से आज ईडी के छापे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा और राहुल गांधी के ऊपर जो लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार किया था, ये उसको बचाने की यात्रा है। और आप देखिए कि राहुल गांधी तो वो महान शख्सियत है जो जनेऊ पहनते हैं कोर्ट के ऊपर, जो जम्मू जाते हैं वैष्णो देवी के अगर दर्शन करने के लिए तो उन्हें पिंडियों का अर्थ नहीं पता, वहां पर वो थ्री सिंबल करते रहते हैं। राहुल गांधी फिर वही व्यक्ति हैं जो विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि देश को आतंकवादियों से नहीं, सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो वो हिंदुओं से खतरा है। और आपको पता है कि नेहरू गांधी का हिंदुत्व किस प्रकार का है और इनका आचरण किस प्रकार से रहा है। आप मनमोहन सिंह जी की सरकार को याद कर लीजिए, जब संसाधनों की बात आती थी तो कहते थे सबसे पहला अधिकार अगर संसाधनों पर देश का किसी का है तो वो माइनॉरिटीज का है, अल्पसंख्यकों का है। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ कार्य कर रही है। अभी यहाँ पर अभय दुबे जी कह रहे थे कि देश की स्थिति जो है आर्थिक तौर पर बहुत बुरी है, कोविड के बाद भी आज जो जीडीपी की स्थिति है या फिर आज जो इन्फ्लेशन रेट है वो कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह की सरकार से बेहतर है, जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला था। शायद अभय दुबे जी भूल गए कि रेणुका चौधरी जब केंद्र में इनकी मंत्री हुआ करती थी और उनसे सवाल पूछा महंगाई पे सिलेंडर पे, तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड हमारे देश की जनता क्या इतना गरीब है कि इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जी हमारे साथ हैं, प्रदीप कौशल जी, जनता के साथ ये जो चुनावी हिंदू वाला आरोप है, इच्छाधारी हिंदू वाला आरोप है, ये सियासी तौर पर ठीक है? देखिए दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे, वो स्वाभाविक है। लेकिन मैं दुबे जी की एक बात से सहमत नहीं हूँ कि यात्रा गैर राजनीतिक है। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी का विशुद्ध राजनीतिक कर्म है जो वो करने जा रहे हैं, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन गैर राजनीतिक यात्रा तो असंभव है, मुझे लगता है ये दोष तो अवश्य है उनके कथन में। ये राहुल गांधी किसी तरीके से अपना जो नेतृत्व है उसके आगे जो प्रश्न चिन्ह पार्टी के भीतर वरिष्ठ लोगों ने खड़ा किया है,
उसका उत्तर देने के लिए है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा था कि कांग्रेस ग्राउंड पर नहीं है, तो ये पैदल यात्रा से उसी का बड़ा ज़ोरदार प्रतिकार करने के लिए राहुल जी ने ये यात्रा जो है वो शुरू की है कि ग्राउंड पे तो छोड़िए, हम तो पैदल चल रहे हैं। मतलब आज़ाद जी का जो कथन था वो तो ये था, जैसे आप कहेंगे कि एक मुहावरे के तौर पर, लेकिन राहुल गांधी तो बिल्कुल उसको चरितार्थ करने के लिए पैदल ही चलने का संकल्प करके निकले हैं। ठीक है, अतर साहब, ये सवाल जो कह रहे हैं प्रदीप कौशल साहब की, ये नॉन पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता, क्योंकि तैयारी पूरी पार्टी ने की है। बिल्कुल, मतलब मैं भी इसमें प्रदीप जी की राय से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये पूरा एक पॉलिटिकल मूव है और करना भी चाहिए। भाई कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान, और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक जो मेन अपोजिशन होता है उसका काम ही होता है कि जो भी सरकार या उसकी नीतियां हैं उसमें अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको जनता के सामने उजागर करना, और इससे अच्छा क्या है कि वो जमीन पे उतर के वो इल्जाम लगाए जाते हैं तमाम, चाहे जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं, कि वो निकलते नहीं हैं, वो एक्टिव नहीं है, मतलब और भी जो उनकी कमियां हैं उसको अलावा इस चीज पे भी बहुत ज्यादा जो नजर होती है पॉलिटिकल एनालिस्ट की वो रहती है। तो राहुल गांधी का ये मूव मैं समझता हूँ एक अपोजिशन लीडर होना चाहिए था, और वो कर रहे हैं, सही वक्त पे कर रहे हैं। और ये एक चीज और मैं खास ध्यान रखूंगा कि हिंदुस्तान में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जहां पे कांग्रेस पार्टी 12 करोड़ वोट पाई थी जी। और वो उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसके पास एक पब्लिक बेस सपोर्ट है, और उन इश्यूज को अगर वो जो उन्होंने रेस किए हैं यात्रा के लिए अगर वो जोड़ लेते हैं तो वो चाहेंगे कि वो सरकार में आए, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।